गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज़. हमने फर्स्ट चैप्टर रीड कर लिया था. आज हम EVS का चैप्टर नंबर सेकेंड आवर सेंस ऑर्गन्स रीड करेंगे. सेंस ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमारे आसपास हो रही क्रियाओं का हमें पता करवाते हैं. अब आपको इस बॉक्स में दिया गया है राइट द मिसिंग लेटर टू कम्प्लीट द नेम ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स के नेम की स्पेलिंग है जो मिसिंग लेटर के थ्रू आपको दी गई है. आपको उसको कंप्लीट करना है. जैसे फर्स्ट है नोज़, सेकंड है ईयर, थर्ड है टंग, फोर्थ है स्किन और फिफ्थ है आइज़. तो फर्स्ट में आपको ओ फिल करना है, सेकंड में आपको ए फिल करना है, थर्ड में आपको एन फिल करना है, फोर्थ में आपको के फिल करना है और फिफ्थ में आपको वाई फिल करना है. ये है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं. अब हम चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. हमारे 5 ज्ञानेंद्र अंग होते हैं. दीज आर आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. जो कि कौन कौन से हैं? आँखें, कान, नाक, जीभ और हमारी त्वचा. आवर सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू नो द थिंग्स अराउंड अस. हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें पता करवाने में मदद करते हैं. जो भी हमारे पास पास होता है उसका हमें पता करवाते हैं. अब आपको यहाँ पे 3 पिक्चर्स दी गई हैं. फर्स्ट पिक्चर हम रीड करते हैं. वी हैव 2 आइज. हमारी 2 आँखें होती हैं. वी सी विद देम. हम इनके द्वारा देखते हैं. सेकेंड पिक्चर है वी हैव 2 ईयर्स. हमारे 2 कान होते हैं. वी हियर विथ देम. हम कानों के द्वारा सुनते हैं. और थर्ड पिक्चर है वी हैव 1 नोज, वी स्मेल विथ इट. हमारे 1 नाक होती है जिसके द्वारा हम सूंघते हैं वस्तुओं को. ये हमने 3 सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया, आइज, ईयर्स एंड नोज. अब हम नेक्स्ट जो हमारे 2 बच गए हैं, टंग और स्किन, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो ये पिक्चर नंबर 4th और 5th हम रीड करते हैं. इसमें है वी हैव 1 टंग, वी टेस्ट विथ इट. हमारे 1 जीभ होती है जिसके द्वारा हम स्वाद का पता करते हैं. और लास्ट पिक्चर है अवर होल बॉडी इज कवर विथ स्किन. हमारी पूरा शरीर त्वचा से ढका हुआ होता है. वी विल थिंक्स अराउंड इट. हम इसके द्वारा वस्तुओं को महसूस करते हैं. जैसे कि सर्दी का मौसम होता है तो हमें सर्दी का पता चलता है, और गर्मी का होता है तो गर्मी का. वो हमें हमारी स्किन ही पता करवाती है. गर्म चीज़ों को छूते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये वस्तु गर्म है. ये फील हमें हमारी स्किन ही करवाती है. ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. देखिए रिमेंबर्स में भी लिखा हुआ है वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और स्किन. अवर सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड टच. हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं हमें देखने में, सुनने में, सूंघने में, स्वाद पता करने में और वस्तुओं को टच छूने में मदद करते हैं, फील होने में मदद करते हैं. ये चैप्टर हमारा इतना ही है. अब आपका आज का होमवर्क ये है, जो एक क्वेश्चन दिया गया है आपको टिक द करेक्ट आंसर, दिख रहा होगा सभी को, ये आपको बुक में फील करना है पेंसिल से. और नेक्स्ट दिया गया आपको बी है हाउ मैनी ऑफ ईच ऑफ दिस ऑर्गन्स डू यू हैव. जो ऑर्गन्स के नेम दिए गए हैं वो आपकी बॉडी में कितने होते हैं, हाउ मैनी यानी कितने होते हैं. तो फर्स्ट है आइज कितनी होती है हमारे, 2. तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है, TWO2. फिर है नेक्स्ट ईयर्स कितने होते हैं हमारे, 2. तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है, TWO2. नोज हमारे 1 होती है तो आपको 1 लिखना है. और टंग हमारे 1 होती है तो यहाँ पे आपको 1 लिखना है. सी है मैच द सेंस ऑर्गन्स विद द रिलेटेड ऑब्जेक्ट, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू. सेंस ऑर्गन को उनके सब्जेक्ट के जिससे वो मैच होते हैं उससे मैचिंग करनी है आपको. जैसे कि 1 दिया गया है फ़ोन. फ़ोन के रिंगटोन हम किसके द्वारा सुनते हैं, हमारे कानों के द्वारा, तो इसको ईयर से मैच किया गया. सेकेंड है आई दी गई है तो आई हम देखते हैं, तो यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है तो पिक्चर्स को हम किसके द्वारा देखते हैं, हमारी आँखों के द्वारा, तो इसको आपको पिक्चर से मैच करना है. फिर नोज़ है, नोज़ को आपको मैच करना है फ्लावर से, फ्लावर को हम सूंघते हैं हमारी नाक से. फिर है फोर्थ जीभ को आपको मैच करना आइसक्रीम से, आइसक्रीम का टेस्ट का पता कौन करवाता है, हमारी टंग, जीभ. और लास्ट बच गया ये कैक्टस का प्लांट. ये कैक्टस का प्लांट आपको स्किन से मैच करना है. जब हम इसको टच करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इस पर कांटे हैं, जो चुभेंगे हमारी स्किन हमें पता करवा देगी. और डी है राइट द नेम ऑफ द सेंस ऑर्गन विच हेल्प यू नो दिस थिंग्स. उस सेंस ऑर्गन्स का नाम बताइए जिसके द्वारा ये वस्तुएं आपको, ये जो एक्टिविटी है ये आपको होने का पता करवाएगी. जैसे फर्स्ट है द बर्ड इज़ ब्यूटीफुल, यह पक्षी सुंदर है. तो हमें कैसे पता चलेगा,
हम उसको देखेंगे तभी पता चलेगा। तो कौन सा सेंस ऑर्गन यूज हुआ यहाँ पे? आइज। तो आपको लिखना है आइज। नेक्स्ट है द फ्लावर हैज नाइस स्मेल, इस फूल की खुशबू बहुत ही अच्छी है। अब फूल को हमने किसके द्वारा सूंघा है? हमारी नाक के द्वारा, तो यहाँ पे आ जाएगा नोज। थर्ड है द फूड इज़ वेरी टेस्टी, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। हमने टेस्ट किससे किया? हमारी टंग से, तो यहाँ पे आएगा टंग। फिर फोर्थ है द मिल्क इज हॉट, दूध गर्म है। हमें कैसे पता चला? हमारी स्किन से हम उसको पकड़ेंगे तब हमें, टच करेंगे तब हमें पता चलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा स्किन। और लास्ट फिफ्थ है द म्यूजिक इज लाउड, म्यूजिक बहुत ही तेज है, संगीत बहुत तेज है। हमें कैसे पता चलेगा? जब हम म्यूजिक को हमारे कानों से सुनेंगे तो उसमें आ जाएगा ईयर्स। ये मैंने आपको बता दिया है पूरा ट्रांसलेट करके, फिल आपको खुद ही करना है, ए बी सी डी ये आपको खुद ही फिल करने हैं। तो आज का आपका होमवर्क यही है, आपको ये सारे क्वेश्चन बुक के अंदर पेंसिल से फिल करने हैं। थैंक यू।